this the conceptual model it you have to initialize the value. अगर आपको एक organization का database आपको बनाना होगा तो first of all you have to understand the requirement of the organization and you have to analyze the organization feature. So based upon that आप क्या करना है ना data को collect करके उसको represent करना है. The conceptual model reflect the entity and the relationship based upon the data processing needs of an organization. Organization का जो data processing होता है उसको base करके हम conceptual model build up करते हैं. तो जो conceptual model है, the conceptual model can be mapped to the relational model. आप इसको relational model में map कर सकते हो, hierarchical model में map कर सकते हो. So in the conceptual model, data analysis is the first step. So first step is you have to analyze the information. आपका information को analyze करना है. Data analyze involves identifying the entity. तो जब आप analysis करोगे, तो first of all आपका analysis में क्या रहेगा? आपका analysis में first रहेगा आप किसके लिए information store कर रहे हो? तो what is the entity? And what are the information you have to store for the entity? मतलब मैं आपको एक tax दे दिया, you have to store the information for a student. तो student का आपको क्या क्या information आपको store करना है? Student का ID, roll number store करना है, ID store करना है, contact number store करना है, name store करना है, address store करना है. So these are called as the what? Conceptual model. Okay, so conceptual model में first है आपको data analysis करना है. जैसे कि आप कोई भी टेलर का दुकान पर जाते हो तो पहले वो आपका मेजरमेंट लेता है, ड्रेस का मेजरमेंट लेता है और वो शो करता है लाइक बेस्ड अपन द मेजरमेंट ऑफ योर बॉडी योर क्लॉथ्स आर अवेलेबल और नॉट, और जितना जो कपड़ा है वो अवेलेबल है कि नहीं. तो पहले वो डेटा एनालिसिस करता है, आइडेंटिफाई द एंटिटीज देयर एट्रीब्यूट and relationship between the entity based upon the data collected. After you complete the data analysis, जैसे कि टेलर पहले एनालाइज करता है आपका मेजरमेंट लेकर, उसके बाद वो एक रॉफली डिजाइन करता है, डिजाइन करके वो बिल में लिख कर रखता है, सो मुझे इस तरह से डिजाइन बनाना पड़ेगा. तो आफ्टर यू कंप्लीट द डेटा एनालिसिस यू ड्रॉ द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एंड you have to overview the database design. उसके बाद आपका database design का overview करना है. The first step is your data analysis part. The next phase, the following component play a very important part while mapping the ER diagram to a table. जब आप ER diagram बनाओगे तो आपको एक regular entity, तो आपको पहले कौन सा part आपको देखना पड़ेगा, पहले है रेगुलर एंटिटी, तो रेगुलर एंटिटी क्या है उसको देखना पड़ेगा. उसके बाद क्या है ना एट्रीब्यूट, रेगुलर एंटिटी क्या है, रेगुलर एंटिटी है जो एंटिटी इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर डेटाबेस. स्टूडेंट का अगर आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो तो स्टूडेंट में पहले आप रखते हो क्या लाइक स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद हम एकेडमिक इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो. अगर स्टूडेंट का पर्सनल इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगा तो एकेडमिक का कुछ काम नहीं. तो जो रेगुलर एंटिटी है दैट इज कॉल्ड द स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन, दैट इज अ रेगुलर एंटिटी. उसके बाद वो जो रेगुलर एंटिटी का लिए आप क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे, लेकिन जैसे कि आपको मान लो स्टूडेंट का जो इंफॉर्मेशन है तो स्टूडेंट का कौन सा इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, जैसे कि स्टूडेंट आईडी स्टोर करना है, नेम स्टोर करना है, एड्रेस स्टोर करना है. So that is called as what? Your attributes. कौन सा information आपको store करना है. उसके बाद है आपका relationship. तो दोनों attribute है उसके अंदर आपका relationship क्या है. उसके बाद हम find out करेंगे weak entity. Weak entity क्या है ना, अगर आपका main table ही नहीं रहेगा, main entity नहीं रहेगा, तो जो अगर student का table नहीं है तो student का जो academic information का कोई काम नहीं है. Suppose मैं student का एक admission form बनाया हूँ, एक है प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाया हो, तो स्टूडेंट अगर एडमिशन लेता है तो फीस देगा, तो फीस पेमेंट का एक
एक कार्ड रहता है, तो वो कार्ड में मैं इंफॉर्मेशन स्टोर किया। जब फीस में इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होगा तो एकेडमी का भी कोई जरूरत नहीं है, तो स्टूडेंट फीस नहीं देगा तो एग्जाम ही नहीं दे पाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट यू कैन से इट इज योर वर्ड वीक एंटिटी, इसको बोला जाता है वीक एंटिटी। वीक एंटिटी मीन्स उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द अदर एंटिटी फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। अगर आपका स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन अगर आप डिलीट कर दोगे और स्टूडेंट का पर्सनल इंफॉर्मेशन आप डिलीट कर दोगे, ऑटोमेटिक आपका एकेडमिक इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो गया। सो दैट इज कॉल्ड एज अ वीक एंटिटी। देन यू हैव टू फाइंड आउट सॉफ्ट टाइप एंड सुपर टाइप। सॉफ्ट टाइप क्या है, जिसको बोलते हैं वीक एंटिटी, जो डिपेंड करता है सुपर एंटिटी फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। ओके, तो यहां पर देखिए रेगुलर एंटिटी किसको बोला जाता है। रेगुलर एंटिटी दे कैन बी एग्जिस्ट अलोन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर एंटिटी, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डेटाबेस। रेगुलर एंटिटी क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब जैसे कि एक कॉलेज में क्या होता है, पहले स्टूडेंट का पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, तो स्टूडेंट का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो डेटा है इसको बोला जाता है रेगुलर एंटिटी। उसके बाद आपका जो स्टूडेंट का आता है एकेडमिक, ओके एकेडमिक, तो एकेडमिक है होता है वीक एंटिटी। तो रेगुलर एंटिटी को हम बोलते हैं इट इज ए रेगुलर एंटिटी, इज कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डेटाबेस। ईच रेगुलर एंटिटी मैप्स टू ए टेबल, जो रेगुलर एंटिटी है तो उसको आपको टेबल में मैपिंग करना पड़ेगा। द स्टूडेंट एंड बुक्स, हियर द टू सेपरेट एंटिटी। यहां पर देखिए स्टूडेंट एक एंटिटी है, यहां पर बुक्स एक एंटिटी है। तो स्टूडेंट इशूज बुक, स्टूडेंट इशूज बुक, तो हियर द टू टेबल लाइक स्टूडेंट एंड बुक इज कॉल आर द रेगुलर एंटिटी। ये दोनों को बोला जाता है रेगुलर एंटिटी। सो इन द एट्रीब्यूट, ईच प्रॉपर्टी ऑफ द एट्रीब्यूट शोन इन द ईआर डायग्राम मैप्स टू द एट्रीब्यूट इन द अप्रोप्रिएट टेबल। स्टूडेंट इशूज बुक्स, स्टूडेंट इशूज बुक्स, तो स्टूडेंट एक टेबल है और बुक्स एक टेबल है। देखो ये एक एंटिटी में हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो स्टूडेंट में क्या है, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है। स्टूडेंट को हम बुक असाइन करेंगे। बुक्स में क्या है, प्राइस है, कोड है एंड डिस्क्रिप्शन है। तो स्टूडेंट में जो इंफॉर्मेशन है, देखिए वहां पर एक रोल नंबर है, नेम है और एड्रेस है। तो जो स्टूडेंट का जो एट्रीब्यूट, यहाँ पर रोल नंबर, नेम, एड्रेस, यहाँ पर जब हम टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं वो कॉलम हो गया। जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट इज कंसिडर एज ए कॉलम इन ए टेबल। रोल नंबर हो गया, यहाँ पर आपका नेम एंड एड्रेस। फिर बुक्स का जो कॉलम है, बुक्स में जो कॉलम है देखिए वहां पर एक एक कोड है, एक डिस्क्रिप्शन है और एक एक प्राइस है। कोड और डिस्क्रिप्शन, प्राइस और एक कॉलम में यहां पर रह गया। सो इट इज प्रेजेंट इन इन ए अनदर टेबल। ओके, तो एक अनदर टेबल में ये प्रेजेंट रह गया। गॉट इट, समझ में आ रहा है? बेस, दिशा, आशीष, यस सर। So already we have discussed about the relationship between the classes. So there are three type of relationship we are using: one to one relationship, one to many relationship, and many to many relationship. So यहाँ पर तीन तरीके का relationship है: one to many, and many to many. So ये जो relationship है, आप इसको कैसे table में describe करेंगे? देखिए अगर आपका वन टू वन होता है, वन स्टूडेंट डज वन प्रोजेक्ट, एक स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट का काम करेगा, इट इज ए वन टू वन रिलेशनशिप।
इसलिए हम एक टेबल में इसको डिस्क्राइब किए हैं, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। यहाँ पर रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस, प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो हर एक स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट इज असाइन ए वन वन प्रोजेक्ट। रोल नंबर, नेम हो गया पर्ल, एड्रेस हो गया प्रोजेक्ट, उसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो गया 60। सो वन टू मेनी रिलेशनशिप, इन वन टू मेनी रिलेशनशिप वन डिपार्टमेंट हैज मेनी एम्प्लॉई, एक डिपार्टमेंट का मेनी एम्प्लॉई है। तो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर दो डिपार्टमेंट है, D001 एंड D002। ये दोनों डिपार्टमेंट के अंदर मेनी एम्प्लॉई है। E001 डिपार्टमेंट आई डी इज D001, E002 D001, मतलब दो एम्प्लॉई एक डिपार्टमेंट आई डी D001 के अंदर है। ओके ओके, और एक है जो E003 में, और एक D002 में है। तो यहाँ पर चार एम्प्लॉई है, दो एम्प्लॉई D001 से बिलोंग्स करते हैं और दो एम्प्लॉई आपका D002 से बिलोंग्स करते हैं। फिर हो गया आपका मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, मेनी स्टूडेंट एनरोल्स और मेनी स्टूडेंट इश्यूज मेनी बुक, मेनी स्टूडेंट के लिए मेनी बुक्स इशू किया गया है। यहाँ पर हो गया आपका क्या, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस, यहाँ पर कोड, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, तो ये दोनों हम मिला दिए। मेनी स्टूडेंट इश्यूज मेनी कोर्स मेनी बुक्स, रोल नंबर, कोड, इशू डेट, रिटर्न डेट यहाँ पर आ गया। तो इसको दो टेबल को हम मिलाकर एक जगह पर रखें। तो ये हो गया मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ये सब क्या है ना, कंसेप्चुअल मॉडल में हम डिजाइन करेंगे, जो आपका जो डायग्राम आप बनाते हो यूआर डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करेंगे किसमें ना, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद होता है वीक एंटिटी। तो हर वक्त याद रखना, वीक एंटिटी जो है वो डबल रेक्टेंगल सिंबल में रिप्रेजेंट होता है। वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड इन ए डबल रेक्टेंगल सिंबल। तो इफ यू सी दिस वर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पर एक है एम्प्लॉई और एम्प्लॉई एड्रेस। जस्ट प्रीवियस आई एम गिविंग एग्जाम्पल, इफ द स्टूडेंट इज टेकिंग एडमिशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन आर स्टोर, उसके बाद उसका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉई हो गया, यहाँ पर एम्प्लॉई एड्रेस है। तो एम्प्लॉई में क्या है ना, नेम एंड सैलरी है एंड यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क है। ओके, एम्प्लॉई का नेम, सैलरी, एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई एड्रेस में क्या है ना, एड्रेस, आईडी, सिटी और एम्प्लॉई नंबर है। तो ये जो दोनों रिलेशनशिप है और दोनों टेबल है, ये एम्प्लॉई नंबर को लेकर वो रिलेट हो रहा है, एम्प्लॉई नंबर। तो अगर आप ये जो एम्प्लॉई एड्रेस टेबल को एम्प्लॉई नंबर के साथ रिलेट करना चाहोगे, तो आपका एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। यहाँ पर जो कॉमन कॉलम है ये है एम्प्लॉई नंबर, ये एम्प्लॉई नंबर आपका कॉमन कॉलम है। ओके, तो यहाँ पर आपका मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। तो नेक्स्ट इज, यहाँ पर जो डायग्राम में, यहाँ पर एक सुपर टाइप एंड सॉफ्ट टाइप। सॉफ्ट टाइप इज ए सबसेट ऑफ अनदर एंटिटी। जैसे कि आप बोल सकते हो फॉरेन की, फॉरेन की का एग्जांपल आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। इसमें क्या होता है ना, आप पेरेंट पेरेंट जो टेबल है, पेरेंट टेबल में सपोज आप मान लीजिए एक आईडी है 1 1 2 3 4 5 6, और एक चाइल्ड टेबल है अगर 2 3 4 रहेगा तो चलेगा, लेकिन 2 3 4 7 अगर रहेगा तो इसको हम चाइल्ड टेबल बोल नहीं सकते हैं, और आप दोनों टेबल को रिलेट नहीं कर सकते हो। दोनों टेबल को कैसे रिलेट करोगे ना, उसका कोई सबसेट वैल्यू अगर होगा तो आप दोनों टेबल को रिलेट कर सकते हो। अगर सबसेट नहीं होगा तो आपको दोनों टेबल आप रिलेट नहीं कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड द वर्ड योर सॉफ्ट टाइप एंड सुपर टाइप। तो सॉफ्ट टाइप सुपर टाइप में आपको रिलेट अगर करना है, आपको एक कॉमन कॉलम का जरूरत होगा, तो तभी आपका आप इसको सेग्रीगेशन कर सकते हो सुपर टाइप एंड सॉफ्ट टाइप। तो यहां पर देखिए,
एक हो गया आपका एड्रेस। देखो सॉफ्ट टाइप एंड सुपर टाइप को अगर आपको कनेक्टेड करना है, ये याद रखना, अगर आपको कनेक्टेड करना है तो यहाँ पर एक क्रॉस बार यूज किया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम एक एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय का दो इंफॉर्मेशन है, एक है आवरली एम्प्लॉय और एक है सैलरी एम्प्लॉय। लेकिन ये दोनों ही एम्प्लॉय है, आवरली एम्प्लॉय और सैलरी एम्प्लॉय। तो ये जो एम्प्लॉय का है उसमें उसके अंदर क्या है ना, एड्रेस है, नेम है, एम्प्लॉय नंबर है। इसके अंदर क्या रहेगा ना, आवरली एम्प्लॉय में वेजेस रहेगा, ओवर टाइम रहेगा। सैलरी एम्प्लॉय है व्हाट जो कंसेशन और कुछ क्या है ना, बोनस, बोनस और अलाउंसेस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, सैलरी और बोनस है। तो यहाँ पर ये जो टेबल है, ये जो ईआर डायग्राम है, ये मेन ईआर डायग्राम है। तो इसको हम रिलेट कैसे करेंगे ना, एम्प्लॉय आवरली एम्प्लॉय एंड सैलरी एम्प्लॉय। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय नंबर है उसका अगर हम प्राइमरी की डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर जो है वो आपका फॉरेन की आपका होगा। ओके, सो नाउ आई शो यू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी तक कुछ डाउट है इसमें कंसेप्चुअल मॉडल में? नो सर, नो सर, ऑल क्लियर। सो मैं अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वहां पर अभी मूव करूंगा। थोड़ा सा एक्सरसाइज होगा। लॉजिकल डेटाबेस है, नॉर्मलाइजेशन आगे इसके आगे पढ़ेंगे सर। अभी हम पढ़ेंगे द टिप्स एंड गाइडलाइन फॉर डेटाबेस डिजाइन। डेटाबेस डिजाइन करने के लिए जो गाइडलाइन है, ओके, तो वो हम देखेंगे। थाईलैंड के वर्ड आप 2 साल से सुन चुके होंगे। यहाँ पर भी डेटाबेस बनाने के लिए कुछ गाइडलाइन है। कोरोना गाइड नहीं, अभी छूट गया, 10 बजे से कुछ खुला है। सेक्रेटरी सेंटर भी खुला है, आप घूम सकते हैं। नहीं सही, so don't introduce any unnecessary attribute। जैसे कि हम आपको टैग देंगे, जाओ आपका स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन आप स्टोर करो, तो यू हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। तो वहां पर आप क्या करोगे ना, स्टूडेंट का नेम स्टोर करोगे, एड्रेस स्टोर करोगे, कॉन्टेक्ट नंबर स्टोर करोगे। तो पहले मैं अगर भेजूंगा आपको इंफॉर्मेशन के लिए, तो मैं भेजूंगा एट द पर्पोज ऑफ व्हाट, एजुकेशन। तो यहां पर आप एजुकेशन का जो पर्पोज का जो सारा चीज है, इसको लेकर आप जो इंफॉर्मेशन एक्चुअली चाहिए वही इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करोगे। जैसे कि स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस हो गया और रोल नंबर हो गया, ये सारे चीज आप इसको शो कराओ। लेकिन
वहां पर आप कलेक्ट करोगे उसका ब्रदर्स का नाम क्या है, सिस्टर्स का नाम क्या है, तो विच इज वेरी इनरिलेवेंट। ओके, तो ये हमारा कोई काम का नहीं है, जो रिलेवेंट नहीं है हमारे वर्क के लिए, तो आपको इसको डिनाई करना है। सो डोंट इंट्रोड्यूस एनी अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स। जो एट्रीब्यूट्स आपको डेटाबेस डिजाइन करने के लिए जरूरी है और जो बिल्डिंग ब्लॉक है, आप सिर्फ उसको ही यूज करना है। An attribute serves as the following purpose: it identifies the owner entity. It identifies the owner entity. It refers to the another entity. It identifies the owner entity. It refers to another entity. It simplifies the description of an entity. Okay, so don't introduce any unnecessary attributes. An attribute serves the following purpose: it identifies the owner entity. Okay, so it identifies the owner entity. It refers to the another entity. It simplifies the description of entity. अच्छा, अगर आप स्टूडेंट का डेटाबेस और टेबल बना रहे हो तो जो कॉलम आप पास करोगे तो ये होगा स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। तो अगर आप स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी नहीं दिखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगर आप स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी के जगह पर आप लिखोगे ईएमपी अंडरस्कोर आईडी, सो ईएमपी अंडरस्कोर आईडी इज व्हाट, इट इज करेक्ट, बट इट डजंट रेफर्स टू और इट नॉट गिविंग ए मीनिंगफुल एक्शन ऑफ द स्टूडेंट टेबल। ईएमपी आईडी आप डिफाइन कर सकते हो फॉर गिविंग ए कॉलम ने, लेकिन आप अगर स्टूडेंट का टेबल बना रहे हो तो ईएमपी आईडी इज नॉट ए रिलेवेंट कॉलम दैट यू हैव टू गिव, सो दैट इट सेइंग दैट व्हेन यू गिव ए कॉलम नेम तो एक रिलेवेंट कॉलम नेम होना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हो, सो ऑल द कॉलम मे बी बिलोंग्स टू और मे बी रिलेट टू द स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट के साथ आपका रिलेट होना चाहिए। इट रेफर्स टू द अनदर एंटिटी। ओके, आप प्राइमरी की फॉरेन की करके आप इसको लिंक कर सकते हो, सो दैट योर कॉलम मस्ट बी यूनिक टाइप ऑफ थिंग, अब यूनिक आपको डिफाइन करना पड़ेगा। If there are any entity with common attribute, merge the entity. ऐसा कोई अगर entity होगा जो common होगा उसको merge कर देना है। तो यहां पर हम check करेंगे क्या, देखिए यहां पर दो entity है, एक है student story book, एक है text book। स्टोरी बुक में क्या है, ना नेम है, कोड है, प्राइस है। टेक्स्ट बुक में क्या है, ना प्राइस है, कोड है, और नेम है। तो ये दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो ये को क्या हो जाएगा ना, देखो यहां पर स्टोरी बुक में भी तीन एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट बुक में भी तीन एट्रीब्यूट है, बोथ आर कॉमन। तो इसको हम मिलाकर एक जगह पर हम रख देते हैं तो बुक के अंदर आ जाएगा नेम, कोड, प्राइस। तो बुक्स के अंदर नेम, कोड, प्राइस आ जाएगा। So that is we merge the two entity. Okay, दो entity में अगर common column होता है तो it's saying that you have to merge that column. अब इसको merge कर देना है।
तो यहाँ पर हमने मर्ज कर दिया स्टोरी बुक टेक्स्ट बुक, इसको मर्ज कर दिया। ओके हाँ, ये वाला हम पढ़ते हैं। इन आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस और डीबीएमएस, इसका दोनों में डिफरेंस क्या है? आरडीबीएमएस में डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने के लिए और कुछ स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई किया गया है। आरडीबीएमएस आइडेंटिफाई एंड लोकेट द रो बाय द कॉलम, लोकेट द रो बाय वैल्यू, वैल्यू को लेकर हम एक रो को लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि हम रोल नंबर अगर देंगे तो रोल नंबर के पास जो जो मार्क्स होगा ये सब हम रिट्राइव कर सकते हैं। सो इन आरडीबीएमएस इट आइडेंटिफाई लोकेट द रो बाय वैल्यू। फिजिकल एड्रेस इज ट्रांसपेरेंट टू द यूजर, जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो डेटाबेस में ये सारा डेटा आपको फिजिकली सभी को शो कर रहा है, बट जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो उसका एक ऑथोरिटी आपको रखना होगा। तो वेरियस टाइप ऑफ की एट्रीब्यूट की आर वी आर यूजिंग इन आरडीबीएमएस, वन इज फॉरेन की, प्राइमरी की, फॉरेन की, ओके, ऑल्टरनेट की, कंपोजिट की, और एक होता है यूनिक की। सो एज यू नो दैट, अब मैं एग्जांपल एक लेता हूं, इसमें आपको समझाने का कोशिश करता हूं। सो आप अगर देखोगे जब इलेक्शन में, इलेक्शन से पहले यहां पर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता है। अभी वेस्ट बंगाल में अभी गया आपका इलेक्शन गया, तो वहां पर बिफोर द इलेक्शन कैनॉट से ममता बनर्जी इज द चीफ मिनिस्टर और अदर पार्टी इज द चीफ मिनिस्टर, दे आर कैंडिडेट फॉर द चीफ मिनिस्टर। तो हम उसको कैंडिडेट क्यों बोलते हैं? ममता बनर्जी क्यों कैंडिडेट है, हम क्यों कैंडिडेट नहीं है? नरेंद्र मोदी जी क्यों कैंडिडेट है, हम क्यों कैंडिडेट नहीं? सो दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ वर्ड speciality so that they are candidate for the prime minister or says candidate for the chief minister. The similar way, अगर आपको एक काम दिया जाएगा एक टेबल में, आपको प्राइमरी की को ढूंढना है, okay, so that doesn't mean all the columns that is present in a table all are the primary key. एक टेबल में जो सारा वैल्यू प्रेजेंट है तो आप इसको प्राइमरी की बोल नहीं सकते हो। ओके, तो सपोज आप एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, तो स्टूडेंट में आपका एक स्टूडेंट रोल नंबर होगा और एक एक कॉन्टैक्ट नंबर होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर यूनिक हो सकता है। तो आप आइदर कॉन्टैक्ट नंबर को प्राइमरी की डाल सकते हो और स्टूडेंट का जो रोल नंबर है प्राइमरी की डाल सकते हो। मतलब बिफोर यू आर चूजिंग एज अ प्राइमरी की, तो आपका जो रोल नंबर और जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये हो जाता है कैंडिडेट, दैट इज कॉल्ड द कैंडिडेट की। बिफोर यू आर चूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की, तो पहले आपको एक आप बोलते हैं इसको कैंडिडेट की, दो आर द एलिजिबल फॉर द प्राइमरी की, जो प्राइमरी की के लिए एलिजिबल है तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी की बोलते हैं। और वंस यू चूज वन कॉलम एज ए प्राइमरी की, मैं अगर एक कॉलम को एज अ प्राइमरी की चूज कर देता हूं, तो जो दूसरा है, दूसरा जो कॉलम है जो नियरली यू कैन से इट मे बी ए प्राइमरी की, वो हो जाता है ऑल्टरनेट की। ओके, मतलब अभी इलेक्शन हुआ 2019 में, बीजेपी को बहुमत मिला, तो बीजेपी हो गया आपका प्राइमरी की। तो ऑपोजिशन में कौन बैठा? कांग्रेस बैठा, तो वो हो गया ऑल्टरनेट की। मतलब एक टेबल में अगर आप एक यूनिक कॉलम आप डिफाइन करते हो, यूनिक वैल्यू अगर आप डिफाइन करते हो, स्टूडेंट आईडी को अगर आप प्राइमरी की डालते हो, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका जो रोल नंबर है वो हो जाएगा आपका ऑल्टरनेट की।
ऑल्टरनेट की हो जाएगा। फॉरेन की किसको बोला जाएगा? नाउ इफ यू वांट टू रिलेट, ओके, जैसे कि आप मान लो एक टेबल में एक कॉलम अगर आप प्राइमरी की डिफाइन करते हो तो वही कॉलम का वैल्यू अगर दूसरे टेबल में रहता है और इट इज ए सबसेट ऑफ वैल्यू, देन यू कैन से इट इज अ फॉरेन की। कंपोजिट की क्या है? एनडीओ को बहुमत नहीं मिला 1999 में, तो दूसरा पार्टी के साथ अलायंस किया, तो भाई मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको मंत्री पद दिलाऊंगा और मैं देश के लिए काम करूंगा। तो जो दूसरा पार्टी को लेकर गठबंधन जो गवर्नमेंट बनता है वो गया कॉम्पोजिट की। आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल, सपोज आप एक हॉस्पिटल में जा रहे हो एक पेशेंट को ढूंढने के लिए, लेकिन वो पेशेंट वहां पर रूम नंबर 5 में है, 5 में अगर आप जा रहे हो तो 5 में बहुत सारा पेशेंट है, 50 से ज्यादा पेशेंट है, तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप यूज करोगे क्या? ना बेड नंबर, रूम नंबर एंड बेड नंबर। अगर हम रूम नंबर और बेड नंबर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हम वो पर्टिकुलर आदमी को निकाल सकते हैं। तो इसको बोला जाता है क्या ना आपको? कंपोजिट की। तो कभी कभार क्या होता है, एक की को लेकर हम सारा इंफॉर्मेशन शो नहीं कर सकते हैं। तो हम मल्टीपल की के साथ हम एक यूनिक वैल्यू रिट्राइव करते हैं। तो यहां पर इसको बोला जाता है क्या ना आपको? बोला जाता है कंपोजिट की। सो प्राइमरी की आपको बताया, फॉरेन की बताया, कैंडिडेट की बिफोर यू आर चूजिंग प्राइमरी की डिस्कस करा था, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की क्या होता है ना, अगर दो की आप एज अ कैंडिडेट आप चूज करते हो तो एक अगर आप प्राइमरी की मेंशन कर दिया तो दूसरा क्या होगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑल्टरनेट की, ऑपोजिशन हो जाएगा। कंपोजिट क्या है? गवर्नमेंट नहीं बन पा रहा है, गठबंधन बनाया, मतलब दो की को लेकर एक एक यूनिक वैल्यू अगर हम रिट्राइव करेंगे वो हो जाएगा कंपोजिट की। सो दीज आर कॉल्ड एज द वर्ड डिफरेंट की दैट वी आर यूजिंग इन द आरडीबीएमएस। सो दीज आर द की आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल यू आर क्रिएटिंग डेटाबेस। जब आप एक्चुअल डेटाबेस बनाओगे तो ये सारा की आपको बहुत सारा काम में आएगा। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, आई हैव रिलेट दिस थिंग टू द इलेक्शन, सो फॉर दैट यू कैन easily remember this, what is that primary, foreign, candidate, alternate and composite. Okay, so in next class we have to start. Okay.